त्रिभिर्गुणमं यरे भावरे अभि सर्वं इदं जगत् मोहितनाभि जानति माम अभे परम अवयम्। प्रकृति के इन सभी गुणों के कार्यों से यह सारा संसार भ्रमित रहता है, अतः मनुष्य इन गुणों से परे मुझे अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे हत्वा स्वजनं माहवे। हुण कम कार कोई करदा नहीं ने तरे बुढ़ड़ी नाल लड़दा नहीं हुण ए वी कम करदा नहीं जिदण दा लै लिया टीवी बापू साबण दे बिन नौंदा नहीं जिदण दा लै लिया टीवी बापू साबण दे बिन नौंदा नहीं लुधियाने नू बस है जांदी ओदे उत्ते चढ़ जांदा ए करो चलिया साग लैण नू जांदा सिनमे वड़ जांदा ए करो चलिया साग लैण नू जांदा सिनमे वड़ जांदा ओदण दा धर्मिंदर वांगू सिर तो टोपी लाउंदा नहीं जिदण दा लै लिया टीवी बापू साबण दे बिन नौंदा नहीं। मुनिवर देखो सुख का स्वांद कवि दुख का कारण बन जाता है मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेला जाता है। गुरा ने पहाड़ा विच लाया पत्थरां दा मुल पै गया पंजा गुरा ने पहाड़ा विच लाया पत्थरां दा मुल पै गया पानी मरदाने जदों मंगया सी जाके पया सी कंधारी अगों पत्थरे उठा के दिल अपने नु पत्थर बनाया पत्थरां दा मुल पै गया पंजा गुरां ने पहाड़ां विच लाया पत्थरां दा मुल पै गया एक कुट पानी दा पलाया ना कंधारी ने फिक्के फिक्के बोल बोले होर हंकारी ने फिक्के फिक्के बोल बोले होर हंकारी ने खाली तीसरी वार परताया पत्थरां दा मुल पै गया पंजा गुरां ने पहाड़ां विच लाया पत्थरां दा मुल पै गया। दुख क्या है? दुख हमारी इच्छाएं हैं। अपनी इच्छाओं को कम कर दो दुख अपने आप कम हो जाएंगे। आपने देखा होगा जो पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा होता है उसको कभी फल नहीं लगता क्योंकि वो अपनी आकड़ में रहता है, हमेशा झुके हुए पेड़ को फल लगता है। तो आप हमेशा झुकना सीखें, सबसे प्यार करना सीखें। वो कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमेशा झुकना सीखें, सबका आदर करना सीखें, सबसे प्यार करना सीखें और भगवान की भक्ति करना सीखें क्योंकि उसी में सुख है, बाकी सब कुछ बेकार है और कुछ नहीं। अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। थैंक यू। निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वई विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम् तत्। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजिनं माहवे योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभा साधु एव समन्तव्य
सम्यग व्यवसितो हि सा। क्या यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है और उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय किया है। इंग्लिश में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्टिकां धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको अग्नि नहीं जला सकती है, इसको जल गला नहीं सकता है और न ही इसको वायु सुखा सकती है। रेडी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्वः माम का पांडवश्चैव किं कुर्व संजय। संजय बोले, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वाति घृणाति नरो पराणि तथा श्रीराणि विहाय जीर्णा अन्यायानि संयाति न वाति देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है। धन्यवाद। यदा ते मोहकलीलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने हुए तथा सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। जो ब्रह्मविद साधक जन अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास वाले ज्ञान का प्रकाश मार्ग द्वारा जाते हैं, वे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं तथा पुनः संसार में वापस नहीं आते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारिषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधविनं त्वमेव शरणं मम देव देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ॐ
वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि सर्वता निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्यवनुपश्यामि अथवा स्वजन महावे योगस्कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यसमुभूत्वा संतम योग उच्यते यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग्यो वसितो हि स अभ्यासे योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामता राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगम् धर्यमम् सुखं कर्तुम् अव्ययम् यह तत्व ज्ञान सब विधाओं का राजा रहस्य में अत्यंत पवित्र प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त साधन में सुगम तथा अविनाशी है नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कल्येद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अर्थात शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते अग्नि इसको जला नहीं सकती जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती क्योंकि आत्मा अच्छेद्य अध्याय अक्लेद्य और अशोष्य है आत्मा नित्य सर्वगत स्थिर अचल और सनातन है अंतिकाले च माम एव स्मरण मुक्त वा कलेवरम यह प्रायति समद भवाम याति न सत्र संशयः जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है इसमें संदेह नहीं मयाधीक्षेन प्रकृतिः सूयति सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेये जगद्विप्रीवर्तते हे अर्जुन मेरी अध्यक्षता में माया देवी अपनी प्रकृति के द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करती है इसी तरह सृष्टि चक्र चलता रहता है अधिभूतं शरो भाव पुरुषरचनादि देवतम् अधियोग आयम एवात्र देहे देवृतांवर हे श्रेष्ठ अर्जुन नश्वर वस्तु और अधिभूत और अक्षर ब्रह्मा के विस्तार को अधिदेव कहते हैं इस शरीर में ईश्वर रूप में भर पर ब्रह्मा परमात्मा ही अध्ययज्ञ हूँ वेदाहं संतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यवाणी च भूतानि मां तु वेद न कश्चन
हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य से सब प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैचेन कलदयन्ते आपो नैशोष्यति मारुता। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अंत इसको जला नहीं सकते, जल इसको गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अछेद अदाह कलेशन और अशोय है। आत्मा निश्चय सर्वगत शिष्ट अचल और सनातन है। यत् करोषि यद् अश्नासि यज् जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वह सब मुझे ही अर्पण करो। वेदाहं संतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कर्चन। अर्थात, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सब प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। राज्याभिषेके जलमानयन्त्या हस्तेन च युत्यो हिमघटो युयुत्या सोपान मार्गे चकरोति शब्दम् टम टम टटम टम टटटम टटम टा। थैंक यू। मेघनाद घटा घटा घट घटा घाटो घटा गुर्घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको बुर्बको विद्युत ज्योति चकी मकी चाकी मकी दृश्यते इत्थमनंद किशोर गोप वनिता वाचस्पते पाहि माम। धन्यवाद। भारत
परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे संभवानी युगे युगे संभवानी युगे युगे छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेजन्त्यापो नाशोष्यति मारुतः। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अभेद्य अदाह्य अकले और अशोष्य है। आत्मा नित्य सर्वगत स्थिर अंचल और सनातन है। धन्यवाद। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभ। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। धम्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्स्वा मामिका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजया। ओके मैम। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माघवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं वामचन्द्रं भजे। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव सर्वं मम देव देव।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। थैंक यू मैम। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो मुझ में ध्यान लगाकर नित्य मेरा स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी को मैं सहज ही प्राप्त होता हूँ। आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल्स हु आर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्प्रेरी वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ मिजरीज बिकॉज दे हैव अटेन्ड द हाईएस्ट परफेक्शन। नीचे कर सकते हैं नीचे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अच्छेद अदाह्य अक्लेद और अश्लोष्य है। आत्मा नित्य सर्वगत स्थिर अचर और सनातन है। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुधिं तामस्मि तेजस तजस्वी नामहम्। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही जानो, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं आसक्ति और कामना रहित बलवानों का बल हूँ और मनुष्यों में धर्म के अनुकूल किए जाने वाला संभोग हूँ।